नमस्कार आज का जो विषय है वो बच्चों को मेडिटेशन सिखाना चाहिए या सिखाएं तो कैसे सिखाएं आ, बच्चों में एक से सात की उम्र के बच्चे और सात से समझिए सोलह सत्रह के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग थोड़ी सी मेथड होनी चाहिए पर इन जनरल क्योंकि सात साल ब्रेन को डेवलप होने में लगता है फिर बाकी वो मेचोरिटी बच्चों में आना और या समाज को समझना समाज की गतिविधियों को सीरियस लेना या सिंसियरली लेना ये सारी बातों में थोड़ा सा फ़र्क होता है सो so मैंने दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक वे नॉर्मली मैं लिखता नहीं हूँ पर मैं ये मैंने क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बच्चों में मेडिटेशन किस लेवल पे या कैसे उनको एड ऑन किया जाए ताकि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहे अगली उम्र में जब वो बड़े होते जाए तो अपने आप को कैसे कोपअप कर सके सिचुएशंस के साथ सो लेट देम बी हु दे आर फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है वो है कि लेट देम बी हु दे आर सो अक्सर ये हो जाता है कि हम बच्चों को या तो कंपैरिजन कर देते हैं या बेटे शांत हो जाओ या चीजें इंपोज करने लगते हैं या हम उनको धार्मिक स्वरूप से उनको गिल्ट में अनजाने में डालते कोई जान, जान के नहीं डालते हैं कि गलत कर रहे हो या, या गलत काम है या बच्चे की समझ में उस वक्त कुछ नहीं होता है कि आप क्या कह रहे हो सिर्फ बच्चे को जैसे हम एक्सरसाइज करवाते हैं वैसी अगर उसके अंदर एक अनुशासन हम डेवलप करें पर दैट इज थ्रू एम, एम्पावरिंग मेथड तीन तरह के मेथड से एम्पावर नेगोशिएट एंड डिक्टेट डिक्टेट सिर्फ एसओएस सिचुएशन में किया जाता है कुछ इमरजेंसी है तो अब यहाँ तो कोई इमरजेंसी नहीं है हम बच्चे को बहुत आराम से ध्यान की पद्धति सिखाना चाहते हैं ताकि बच्चा बच्चे का मेंटल हेल्थ बच्चा रिलैक्स रहे या बच्चे अलग अलग सिचुएशंस में कोपअप करने की उनकी कंडीशन हो सो लेट देम बी हु दे आर उनको पहले अपने फॉर्मेशन में रहने दो वो कम से कम गार्बेज के साथ रहते उनके टैग्स कम से कम जुड़े हुए कि मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ या मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ वो थोड़ी थोड़ी उनमें वो चीज़ हम डालने रखते हैं सो सेकेंड पॉइंट है अगर हिलचाल कर रहे हैं बच्चे तो थोड़ा करने दे डिस्टर्ब करें तो अलग कमरे में ले जाओ ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। अक्सर ये होता है ना कि दो तीन चार बच्चों को एक साथ मेडिटेशन करवाएं या हम अपनी तरफ से मे बी हमारे स्पिरिचुअल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कोई बात समझाएं और उन वो चंचल है वो क्योंकि वो डेवलपमेंट के स्टेज में हैं तो वो वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को और उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेना चाहते पर बॉटम लाइन ये है कि वो साठ काउंट करने तक भी इन्हेल एक्सेल या काउंट डाउन कराएँ या जो भी आप प्रक्रिया उनसे करवाएँ अगर वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करें तो उनको प्यार से उठा के लेके जाए और उनको दूसरे कमरे में खेलने के लिए बिठा दो क्योंकि जो बच्चे अनुशासन में आने की कोशिश कर रहे हैं एम्पावर हो रहे हैं अपना एकाग्रता बढ़ाने के लिए या फोकस बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही होना चाहिए कि बच्चों को क्योंकि वैसे भी उनको समझ में नहीं आता सेल्फ ऑब्जर्वेशन में भी वो फेंटेसी में ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ कुछ एक उम्र के बाद कुछ बच्चे बच्चों में पढ़ाई और या सिंसियरिटी या पेरेंट्स को मॉडलिंग करते हैं किसी तरह से उनमें वो सिंसियरिटी आती है तो हो सकता है उनको आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं यूज फैंटेसी नॉट फॉल्स प्रोमिस फैंटेसीज एक लेवल तक यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनको चमत्कार और जादू या इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा हमको एक्जैगरेट एक्जैगरेट करके नहीं डालना चाहिए क्योंकि लेट देयर ब्रेन बी अ फ्लैट प्लेटफॉर्म लाइक थिंग एंड लेट देम डेकोरेट देयर ओन डिज़ाइन ऑफ एंड दैट इज देयर आइडेंटिटी दैट इज देयर यूनिकनेस वो जैसे सौर मंडल में अलग अलग ग्रह हैं वैसे हो जाते हैं वो बच्चे तो बच्चों को उनकी आइडेंटिटी बनवाने के लिए हम पहले से ही चीजें प्रस्थापित कर देंगे तो वो बच्चे बहुत सारी अपनी चीजें मिस करने लगे या फिर उनको कोई ना कोई वो डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अच्छा आप क्या कह रहे हो मेरी तो अपनी कोई पहचान ही नहीं है तो बच्चों को अपनी पहचान उनको टैग फ्री रखना है छोटे छोटे टैग्स लग जाते हैं तू अच्छा है तू बुरा है तू ये नहीं कर सकता है इतनी देर नहीं बैठ सकता है क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहा है कोई बच्चा है ए डी एच डी है तो उसको आप अगर बैठने के लिए कहोगे तो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा वो तो उसका ध्यान के प्रति रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बड़ा होते होते वो ध्यान के प्रति उसको नफरत हो जाएगी ध्यान मेडिटेशन रिलैक्सेशन उसके लिए स्ट्रेस हो जाएगा तो हम उसको अलग रास्ते पे या गलत रास्ते पे ले जाते हैं इंटेंशनली नहीं पर जाते हैं वो दोज हु फॉलो देन टेक them टू नेक्स्ट लेवल यानी अगर हम उसको काउंट डाउन करवा रहे हैं कि भाई हंड्रेड नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट नाइन्टी सेवन नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फाइव एंड इट्स सो रिलैक्सिंग कि जैसे अभी पूरे दिन अभी खत्म हुआ है अभी रात होने को है, तो इतना काउंट करते करते ही एकदम नींद सी गहरा नहीं लगती है और एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब है सहज और सहज मैंने गाना बनाया है सहज और सरल के लिए कि सजग सहज भाव से ध्यान लगाऊ सजग निरीक्षण बढ़ता रहे सजग भी रहना है क्योंकि बच्चों को और सबको सजग रहना है और सहज रहना है हमें कोई तंद्रा कोई फैंटेसी उतना नहीं करना है चीज़ों को रैशनलाइज भी कर सकते हैं ध्यान डज नॉट मीन फॉल्स promises और फॉल्स फैंटेसीज और फॉल्स विजुअल्स बच्चों को जो मन में कुदरती तौर पे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो थॉट्स आते हैं जो कम से कम गार्बेज वाले हों तो वो बहुत क्लीन क्लियर पिक्चर बनेगा शुद्ध छवि बनेगी ऑब्जर्व योर सेल्फ विथ नो प्रेजुडाइज फिर उनको ये एक मेडिटेशन करवा सकते हो मैंने लारा एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जो उनके एस्टीम को हाई करता है जैसे लव योर सेल्फ रिस्पेक्ट योर सेल्फ एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ वर्थ तो उनको इस चीज़ को आप अगर आई लव माई सेल्फ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई अप्रीशिएट माई सेल्फ वर दोस्तों ये मेडिटेशन इतना रिलैक्सिंग है कि मुझे खुद को अभी आई फील गुड एंड ग्रेट एंड रिलैक्स ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेंटल हेल्थ में से मैंने लिया है काउंट डाउन इफ डिफिकल्ट देन वन टू हंड्रेड काउंट डाउन का प्रोसेस है वो मोर रिलैक्सिंग है और वो गोल सेट करना है कोई लक्ष्य के साथ काम करना है तो उसमें काउंटडाउन का प्रोसेस जैसे मैंने कहा हंड्रेड नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो भी चलेगा इफ़ द स्लीप डोंट व्रेकअप ड्यूरिंग सेशन अक्सर ये हो जाता है कि बच्चे सो रहे हैं तो उसका मजाक बनाया जाता है या उनको एलिनेट किया जाता है वो ठीक नहीं है बच्चे सो गए तो उनको सो जाने दो और उठने के बाद वो जब उठ जाए तो बाकी अगर कोई हंसने की कोशिश कर रहा है बच्चा दूसरा बाजू में है तो उनको आप बताइए कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें उनको प्यार से समझाइए क्योंकि इसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव हो जाते हैं मन के अंदर तो वो कभी रियलिस्टिक नहीं ले पाएंगे उन चीज़ों को जो ख, जो एक्चुअल में जो सहज है वो सहज नहीं ले पाएंगे उनके लिए वो तनाव हो जाएगा और और वो बढ़ते जाता है ग्रेजुअली जैसे उम्र बढ़ती है तो वो ब्लड प्रेशर या उस तरह से आगे बहुत सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल दिया आपको तकलीफ़ें होने लगती है ओके डोंट मेक थेम फील गिल्टी अबाउट और अवॉइड पुटिंग बिलीफ्स कई लोग कोई मकसद के साथ यानी एक पर्टिकुलर कोई बिलीव के साथ उनको रिलैक्स uh, करवाते हैं या मेडिटेशन सिखाते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत बात है बच्चे एक्सप्लोर हो रहे हैं जैसे एक पौधा है वो कहीं कोई ऐसे जाएगा कोई यूं जाएगा कोई यूं जाएगा और उसी से उनका एक विविध विविधता उनके अंदर आएगी और एक यूनिक शेप बनेगा उनका तो उनका जो यूनिक शेप है उसको हम बरकरार रखेंगे उसको मेंटेन होने देंगे हम उसको एक डंडी लगा देंगे कि तुम यूं ही मेडिटेट करो नहीं इट इज़ अ फ्लो ये एक फ्लो है तो उनका अपना जो कुदरत ने इतने करोड़ों वर्ष के बाद जो ह्यूमन ब्रेन बनाया है दोनों ब्रेन का कॉम्बिनेशन ये चंचल ब्रेन है ये फाइट फ्लाइट फियर वाला ब्रेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना है उनसे उनके अपने कॉम्बिनेशन को बनने देते हैं हम हम अपने आप अपने स्टैम्प्स को उनके ऊपर ना थोपें ये होगा तो बच्चे ऐसे खिलेंगे मतलब मेरे दोनों बच्चे एग्जाम्पल है मतलब कि बेटी अब आ, आ, खुद अच्छा रिलैक्सेशन करवाती है लोगों को और इस चीज़ का प्रचार भी करती है विश्व में जाके और दूसरा बच्चा है वो वरेम जो म्यूज़िक में है जानवी पीएचडी कर रही है यूएस में वरेम अपने म्यूज़िक के क्षेत्र में अपनी आइडेंटिटी बना रहा है नॉट कि मैं वो मेरा बेटा है वो अपनी एक पहचान बना रहा है क्योंकि उनको पहले से इस तरह से ट्रेन किया गया है काउंट करवा सकते हो इन्हेल एक्सेल करवा सकते हो सांस लेना सांस छोड़ना और इस तरह की जो भी एक्सरसाइज आपको ठीक लगती है बट इट शुड बी अन अ वेरी लाइटर लेवल कोई गंभीर्य या कोई कहानियाँ या इस तरह क्योंकि वो विजुअलाइजेशन में चले जाएंगे वो मेडिटेशन वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन और अनुशासन अपने लिए अपने विकास के लिए अपने मानसिक विकास के लिए जो अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए वो नहीं आएगा और डिसिप्लिन के मायने स्ट्रिक्ट नहीं है हमने डिसिप्लिन के आगे स्ट्रिक्ट शब्द डिसिप्लिन मतलब बिलीफ इन सेल्फ अपने बिलीफ खुद पे विश्वास करें सो so, ये कुछ एक टिप्स थी जो मैंने टीचर्स को मेडिटेशन uh, और इस पर काफ़ी मैंने जानवी से भी मशवरा मशवरा किया है इसके बारे में और विकास साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड माइंड बॉडी साइकोसोमेटिक बैलेंस कैसे करें उन सब का मिला जुला के इसके लिए मैंने लिख के ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ या कोई चीज़ गलत इंटरप्रेट ना हो जाए उस वजह से मैंने पहली बार ये लीक का इस तरह से दिया है धन्यवाद टेक केयर और रिलैक्स करें